लाए, हाथी के असवार को हो श्वान काल नहीं खावे। पुणात्मा उदाहरण दे रहे हैं दादू साहेब जी और ऐसे सभी संतों ने बताया है जो परमात्मा से परिचित हुए कि जिसने कबीर परमेश्वर जी की विधिवत शरण ले ली, पूर्ण संत के माध्यम से परमात्मा का प्रोटेक्शन पा लिया जैसा आप जी को उपलब्ध है, तो आप ये समझो कि आप हाथी पर बैठ गए, आप जी हाथी पर सवार हो गए और आपको अब कुत्तों के काटने का भय मिट गया। हाथी गांव में जाता है, हम देखा करते थे, ये आते थे दाने मांगनी है, कनक मांगते फिरते थे हाथी के साथ, तो गांव के तकरीबन उस एक कॉलोनी के सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए और हाथी को देख कर विशाल काए और उसने सोचा करते यू के आ गया, उसने भौंकया करते, कम से कम 20-20, 30-30, 50-50 कुत्ते इकट्ठे हो जाते, पर हाथी से वो 50 फुट दूर रहते थे। अब जैसे आपको बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी कबीर जी का नाम लेकर के ऐसे समझो हाथी पर बैठ गए और काल में समझो कुत्ताई भी, उदाहरण दे रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं शक्ति और पावर और प्रोटेक्शन का। आप हाथी पर बैठ गए भी और काल को समझो कुत्ता, अब हाथी पर बैठे व्यक्ति को कुत्ता किसी प्रकार से भी हानि नहीं पहुंचा सकता, यानी उसकी रेंज से, उसकी पहुंच से बाहर हो गए आप। कुत्ता प्रथम तो हाथी के निकट नहीं आ सकता, आ जा तो ऊंचाई गणी और एक सूंड मार दे तो उसका टट्टी पेशाब निकल जाए कुत्ते का। तो क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लाए, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। आप काल के रेंज से, पहुंच से बाहर हो गए जिन्होंने परमात्मा का नाम ले लिया, लेकिन मर्यादा में रहोगे तो बचोगे। यदि आप हाथी ते नीचे कूद गए, छलांग लगा गए, यदि आपने मर्यादा तोड़ दी, नाम खंड हो गया, भगवान की शरण आपसे हट गई, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंप नहीं तुम्हारा उदर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का, कबीर परमेश्वर जी के हाथ को अपने सिर पर, यानी आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पर रखो, यानी मर्यादा मत तोड़ो, तो आपका भी उद्धार और आपके पूरे खानदान को, वंश को पार कर देगा परमात्मा। तो ऐसे हाथी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को काल कुत्ता हानि नहीं कर सकता, काल रूपी कुत्ता, और आप हाथी ते नीचे पड़ गए, नीचे उतर गए तो काट के खा जाएंगे, वो तो नरे पीछे लग रहे हैं। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा हो है परमानंद सुखसीर, दादू नाम कबीर की जो कोई ले वे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बदर की चोटे। अब दादू साहब जी कह रहे हैं कि जो परमेश्वर कबीर जी की ओट में आ गया, उनकी आड़ ले ली, शरण ले ली, उनको काल के अटैक नहीं होंगे। काल के अटैक कैसे होते हैं, अब ये क्या करता है, जब तक इस पुण्य आत्मा के पुण्य साथ है तब तक ये कितने तो जुल्म करो और कितनी उच्च पदवी प्राप्त कर लो, और जिसमें इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य समाप्त हो जाएंगे, भविष्य में कोई सत साधना इसके पास नहीं है, प्राणी के पास, फिर तुरंत अटैक कर देगा, इसको मार देगा। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहाँ जन्मे पाले पोसे खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आडे। हाय हाय, परमात्मा कहते हैं कि देखो, हमें समझाना चाहते हैं, माता पिता ने तुमको कितने प्यार से पाला पोसा
और कितने लाड किए आपके और ना पता, और आप फिर उसी प्यार के वश इस परिवार को संपत्ति को अपना मानते हो। परमात्मा कहते ना पता कित आड खंडेंगे इस शरीर के। परमात्मा कहते हैं कबीर कहाँ गर्भियो काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा भाई के घर के परदेश। आप जी परमात्मा के इस ज्ञान से प्रभावित हो जाते हो, होना चाहिए, क्योंकि आपको डर लगना चाहिए कि भगवान इतनी दूर से आकर परमेश्वर हमें क्या बताने आए थे, और क्या वो कोई भाट नहीं थे, कोई डूम नहीं थे, उनका कोई उद्देश्य रोजी रोटी का धंधा नहीं था, वो तो अपने कपड़ा बन के खुद खाया करते थे और शेष बचे हुए को भंडारा करते थे। अब पुण्यात्मा एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जावा था, और हेलीकॉप्टर पता नहीं जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है इन्वर्टर की तो फिर घोर अंधेरा हो जाता है। उसका तीसरे दिन शव मिला था, और वो जब चल रहा था हेलीकॉप्टर में, क्या क्या उम्मीदें होंगी, क्या क्या आशाएं होंगी, ऐसे कर दूंगा, जल्दी चलता हूँ, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। परमात्मा की ये वाणी याद रखनी चाहिए कि कहाँ जन्मे पाले पोसे खूब लड़ाए लाड, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे हाड। ऐसे ही करना अरुणाचल का मुख्यमंत्री पीछे सी, उसकी तो मेरे ख्याल 6-7 दिन में लाश पाई, वो भी ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल कैबिनेट जिसमें 96 आदमी थे, प्रधानमंत्री तक एक एयर क्रैश में हवाई जहाज के एक्सीडेंट होने से सारे मर गए। और उससे पहले वो के कुफर तोल रहे होंगे, कितने अग्न सता रहे होंगे, पता नहीं के उम्मीद लगा रहे होंगे। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कबीर कहाँ गर्भियो काल गह कर केश। कहते काल तेरे बाल पकड़ेगा, और पकड़ के बाल सिर के पता नहीं कित पटकेगा ठाके, ना जाने कित मारेगा यो क्या घर क्या परदेश। करा कित ठोक देगा जब सांस पूरे होंगे, वहीं एक सेकंड का भी समय आपको काल नहीं देगा। और जिस समय आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ जाओगे, ये वज्र है काल के, वज्र माने ये भयंकर हथियार तीर। जब लग हंसा हमरी आना काल लग नो तेरा बाण। जब तक हंस तू मेरी आन कान में मर्यादा में रहेगा, तब तक इस काल का अटैक मेरी आत्मा पर नहीं हो सकता, तब तक तेरे ये काल के ये चोट काल नहीं मार सकता आपके जो इस तरह ये मार रहा है। तो यहां दादू साहेब जी क्या बताते हैं, दादू नाम कबीर की जय कोय ले वे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोटे। किसी का बेटा मार दिया, किसी बेटी मार दी, ये घटना नहीं घटने देगा। नियत साबत से मर्यादावत अधीनी पूर्वक सच साधना करते हुए दान पूर्व करते रहेंगे परमात्मा की मर्यादा अनुसार, तो ये घटना परमात्मा नहीं घटने देता। हम गलती कर देते हैं, थोड़ा सुख होते ही हम भूल जाते हैं, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं लोक लाज में आके। अब किस प्रकार हमने साधना करने से परमात्मा कबीर जी हमारी मदद करेंगे। तन मन शीश ईश अपने पे, तन मन शीश ईश अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे। हो जी जब कोई राम भगत गत पावे। हो जी
यानी परमात्मा से लाभ लेना है ना, तो तन मन शीश ईश अपने पे पहले में चोट चढ़ावे। अब तन मन शीश ईश कैसे चढ़ाना होता है? एक संत था, उसने अपने शिष्यों को रोज शिक्षा देता था, भाई गुरु जी के आदेश का पालन करना चाहिए, वो भगत सही है, और जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है, उसकी भक्ति नाश हो जाती है। अब जिन भक्तों ने घर त्याग दिया, परमात्मा के लिए आगे हैं, तो गुरु जी के आदेश का पूर्ण पालन ही करते हैं, वो फिर अग्रम मग्रम बकवादों में नहीं बढ़ते हैं। ऐसे कुछ भक्त आश्रम में रहते थे उस गुरु जी के साथ, और उनको वो शिक्षा दिया करता था, भाई जो गुरु वचन पर डटगे रकटगे फंद चौरासी के, भाई जो गुरु वचन पर डटगे रकटगे फंद चौरासी के, कटगे फंद चौरासी के, रकटगे फंद चौरासी के, भाई जो गुरु वचन पर डटगे रकटगे फंद चौरासी के, वस्तु मिले ठोड़ की ठोड़ मिटगी मन पापी की दौड़, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिटगी मन पापी की दौड़, भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पर डटगे रकटगे फंद चौरासी के। अब ऐसी शिक्षा देकर उन भक्तों को थोड़ी सी देर बाद पीछे कहता है वो गुरुजी, कभी आ जाओ बच्चों, मेरी एक आज्ञा है तुम्हारे लिए। अक बोलो गुरुदेव क्या है? कि मेरे सिर में पांच पांच जूते मारो। अब गुरु परमात्मा के तुल्य, गुरु से जो व्यवहार भगवान से माना जाता है, अब वो पांच सात भक्त सारे सख्ते में आ गए, कति पत्थर हो गए। अब क्या करें? आज्ञा का पालन ना करें तो भक्ति नाश, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया, हमारे जैसा दुष्ट नहीं कोड लगे, चुप हो गए। गुरु जी ने कहा, रही क्या शिक्षा दे रहा था भाई, गुरु जी की आज्ञा का पालन कीजिए, नहीं तो भक्ति नाश हो जाती है। तो कुछ एक ने तो मन में सोच लिया, भाई गुरु जी की तरफ हाथ नहीं हो सकता, भक्ति नाश हो जाए ना हो। एक बुद्धिमान था खड़ा हुआ, जूता निकाला और गुरुजी के निकट पहुंचकर अपने सिर में पांच मारे पट्टाए पट। अब गुरुजी कहने लगे, भाई डंडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा, मेरे मार। तब उस चेले ने कहा शिष्य ने के गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही है, क्या इसको आप दूसरा समझते हो? तो पुण्यात्मा ऐसे कहते, सिर सो प्या गुरुदेव को सफल हुआ ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। जो भगवान के हवाला कर दिया, आप रुखाड़ा होगा इसका या मट्टी का मैल, ये तो खत्म होना ही होना है, लेकिन परमात्मा की शरण में काल के द्वारा डिस्टर्ब नहीं हो सकता, जब परमात्मा चाहेंगे तब ही आपको यहां से लेकर चलेंगे, निकाल का भी तो नहीं, आपने खत्म कर दिया मार दे। जम जो राजा से डरे और मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। जैसे दादू साहिब जी को मिले परमात्मा, जैसे नानक साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे, छुड़ानी वाले को, गांव छुड़ानी जिला हरियाणा वाले को। उन्होंने कहा था कि जम जोरा, जम माने ये यम काल, जोरा माने मौत, जम जोरा जा से डरे मिटे कर्म के लेख, आपकी आयु भी बढ़ा देता वो परमात्मा, वेद गवाही देते हैं। और अदली असल कबीर है, अदली माने न्याकार, न्याकारी, असली माने वास्तव में परमात्मा कबीर जी ही हैं, न्याकारी भी वही हैं और सबके सतगुरु भी वही हैं, सबको तत्व ज्ञान देने वाले भी वही हैं।
काल जो पीस है पीसना,